क्या हुआ था? जमीन की नपत चल रही थी और राजेंद्र सिंह पुत्र नवल सिंह आके आंच लगा दी हमारी झोंपड़ी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविकांत, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। कामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सुनहरा में जमीन को लेकर परिवार के लोगों में चल रहे विवाद की पैमाइश के दौरान विवाद हो गया, जिसमें एक झोंपड़ी में आग लगा दी, जिससे गाय सहित अन्य पशु झुलस गए तथा एक व्यक्ति ने पैर पर ट्रैक्टर चढ़ाने का भी आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही कामा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां कामा थाने के सब इंस्पेक्टर अंतुलाल ने बताया सुनहरा गांव में धर्मेंद्र पक्ष के द्वारा जमीन की पैमाइश कराई जा रही थी। इसी दौरान वीरेंद्र पुत्र राजेंद्र अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ ट्रैक्टर लेकर पहुंचा और ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोप लगाया गया है तथा राजेंद्र पुत्र नवल सिंह पर गांव में झोंपड़ी में आग लगाने का भी आरोप लगाया गया है, जिसमें गाय सहित अन्य पशु झुलस गए। सूचना मिलते ही पुलिस गांव में पहुंच गई और लोगों से शांति बनाए रखने की पुलिस द्वारा अपील की गई है, जहां घायलों का कामा के राजकीय अस्पताल में उपचार कराया गया। वहीं पुलिस ने भी लोगों से शांति बनाने की अपील की है, जहां दोनों में शांति बनाए रखने के पुलिस के प्रयास जारी हैं। क्या हुआ था? जमीन की नपत चल रही थी और राजेंद्र सिंह पुत्र नवल सिंह आके आँच लगा दी हमारी झोंपड़ी में। क्या पशु बंद रहे थे हमारे सीरक में, झोंपड़ी में थे लबेरू और सारे पीपर के सारे भैंस गाय बंद रही थी। जल गई क्या वो? जल गई, चार दो लबेरू और दो गाय जल गई। अच्छा, कब की घटना है ये? लगभग 1:30 बजे की। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह।